नमस्कार, मैं राजेश पांडे एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है हड्डियों से होने वाली परेशानियों का उपचार। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने बहुत सरलता से हमें पान खाने की सलाह दी। बहुत ही औषधीय गुण वाले पान होते थे वो। दुर्भाग्य से हमने उसे जहरीले तत्व मिला करके जहरीला बना दिया, तंबाकू। अगर तंबाकू ना हो तो ये पान बहुत ही औषधीय होते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है, पान में चूना मिलाइए, जैसे पनवाड़ी मिलाता है गेहूं के दाने के बराबर चूना, और उसके ऊपर थोड़ा अजवाइन डाल करके आराम से चबा करके खा जाइए। कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है। पान नहीं खाना चाहते तो हम उसे गर्म पानी में घोल करके, दाल में मिला करके या सीधे भी छान करके पी सकते हैं। घुटनों में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हड्डी की पुराने से पुरानी परेशानियों को जड़ से समाप्त करने की क्षमता अकेले हमारे चूना में है। अज्ञानतावश हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हजारों या लाखों या कभी कभी उससे भी अधिक धन खर्च कर देते हैं और बदले में सही उपचार नहीं होता है। दर्द से थोड़े दिन के लिए राहत जरूर मिल जाती है। ये चूना पूर्ण रूप से उपचार है हड्डियों के लिए। गेहूं के दाने के बराबर चूना शौच से निवृत्त होने के बाद आप आराम से गर्म पानी में मिला करके पी सकते हैं। नहीं समय मिलता है दिन के किसी भी समय, दाल में मिला करके आप पी सकते हैं। सिर्फ इसकी मात्रा को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, गेहूं के दाने के बराबर। गेहूं से आप सब परिचित हैं। गर्म पानी में घोल लीजिए, उसे छान लीजिए, अगर संभव हो तो पी लीजिए, दाल में मिला लीजिए या आपके खाने के किसी भी भोजन के साथ में उसे मिला करके पी सकते हैं। विश्वास के साथ पीजिए या खाइए, सेवा में लीजिए, हड्डी की हर परेशानी को दूर भगाइए। बहुत धन्यवाद।